हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑरेंज कैंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में ना तो हम चाइना ग्लास का यूज करेंगे, ना ही अगर अगर और ना ही जेलेटिन का। यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। इसे रेडी करने के लिए पूरी तरह से हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आप इसे घर पर रेडी कर रहे हैं तो इसमें कोई गंदगी नहीं होगी और ये बहुत सॉफ्ट बनती है। तो आप इसे अपने बच्चों के लिए इसे घर पर ही बना सकते हैं। इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। यह एकदम से सिंपल सी रेसिपी है और इसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वह आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है ये ढेर सारा संतरा, तो हमने सोचा कि संतरा का कुछ बनाते हैं। तो चलिए आज संतरा के हम बनाएंगे बहुत सरल तरीके से बहुत टेस्टी मिठाई। तो ये सारे संतरे का हमें नहीं बनाना है, कुछ संतरे का बनाएंगे, कुछ संतरे का जूस बनाकर ये पी सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 4 संतरा। चारों संतरे के छिलके हटाकर अब इसका हमें जूस बनाकर तैयार कर लेना है। 4 संतरे के छिलके हमने हटा दिए हैं। अब इसके बीज निकाल कर इसका हमें जूस बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी से इसका जूस तैयार करें, या फिर आप इसे हाथों से भी दबाकर इसका रस निकाल सकते हैं। मिक्सी के जार में डालकर मैंने संतरे का जूस निकाल लिया है। अब इसे अच्छे से हमें छान लेना है कि ताकि जो भी इसमें पल्स हो वो सारा निकल जाए और इसका जूस हमें परफेक्ट मिल जाए। देखिए, जूस इसका निकल रहा है। संतरे का पल्स छन्नी में छन चुका है और जूस हमारा बॉल में आ गया है। जब भी हमें इसका जूस निकालना है तो हमें या तो कांच का बॉल में निकालना चाहिए या प्लास्टिक का बॉल में निकालना चाहिए। अगर आप किसी बॉल में निकालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। इस जूस को हमें एक बार और छान लेना है। ये जूस को दोबारा हमने पतले छलनी से छान लिया है। अब हमारा जूस एकदम से परफेक्ट तैयार है। अब हमें चाहिए कढ़ाई या मोटा पैन। और सबसे पहले हमें जूस को नाप लेना है। तो मैंने एक गिलास का मदद लिया है, आप चाहे तो कप या कटोरी से नाप सकते हैं। तो मैंने एक छोटा लिया है जो कप के मापिक ही है, 2 कप से थोड़ा सा कम है। हम मान के चलेंगे कि 2 कप ही हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप अरारोट। आप इसके जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी हमने इसे गैस पर नहीं रखा है, पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी इसमें गुठलियां नहीं रहें। 2 कप संतरे का जूस था तो 1 कप उसमें हम डालेंगे चीनी। अब इन सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने के लिए मैनेजमेंट का ध्यान हमें अच्छे से रखना होगा। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे गैस पर रखकर पकाना शुरू करेंगे। अब इसे हमें चलाते हुए ही पकाना है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हम पहले से जूस बना कर रख लें और उसे बाद में बनाएं, तो ऐसा भूल कभी भी नहीं कीजिएगा। ताज़े जूस से ही ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है और ना ही इसके लिए हमें अल्मीनियम की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना है। इसे हमें जब भी बनाना है तो स्टील की कढ़ाई में बनाएं या फिर पैन में बनाएं। अल्मीनियम की कढ़ाई में बनाने से उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। इसे हमें अभी तेज आँच पर रखा है क्योंकि हमने इसमें भी चीनी डाला है, तो जब तक चीनी घुले नहींगा तब तक हम इसे थोड़ा तेज आँच पर ही पकाएंगे। चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। संतरे का मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी है जो बहुत ही बढ़िया होता है।
अब ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसे हमें चलाते हुए ही घी डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। एक बार में सारे घी को हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाएंगे। देखिए ये घी को ऑब्जर्व कर ले रहा है। अब इसमें देखिए घी बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, तो एक चम्मच फिर इसमें हम घी डालेंगे। अब इसे फिर से मिक्स करते जाएंगे। दो चम्मच घी इसने पूरा बढ़िया से ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन अभी भी साइड में घी नहीं दिख रहा है, तो एक चम्मच इसमें हम और घी डालेंगे। और इसे फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा साइन आने लगा है। घी डालने से इस मिठाई में चमक बहुत बढ़िया आता है और यह ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा है। लेकिन इसमें अभी एक चम्मच हम और घी ऐड करेंगे। टोटल इसमें हमने 4 चम्मच घी डाला है। अब इनसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस घोल को आप देख सकते हैं इसमें चमक बहुत अच्छा से आ गया है और यह ट्रांसपेरेंट भी बहुत बढ़िया से दिख रहा है। अब इसे चलाते हुए 3-4 मिनट और हमें पका लेना है। अब आप देख सकते हैं यह ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है और साइड साइड में इसका घी भी छोड़ने लगा है। तब इसमें एक्स्ट्रा हमें घी और नहीं डालना है। इस मिठाई को ऑरेंज कलर देने के लिए बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे, 1 चुटकी फूड कलर, और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। यह ऑप्शनल है, आपके पास है तो इसे डालें, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब यह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब देख सकते हैं कि इसे हमें इतना ही थिकनेस बना कर रखना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे कांच के बॉल में घी लगाया हुआ है इसमें डालेंगे थोड़ा सा मगर। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और बस झटपट इस मिठाई को इसमें डाल दीजिए। अगर लेट कीजिएगा तो यह उसी फ्राई पैन में जम जाएगा। इसे अच्छे से अब फैला देना है। थोड़ा सा इसे डक कर देंगे ताकि इसमें जो भी बबल होगा वो सारा निकल जाएगा। और इसे रूम टेम्परेचर पर 2-3 घंटा के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। अब यह रूम टेम्परेचर पर अच्छे से सेट हो चुका है। आइए इसे हम प्लेट में निकाल कर चेक कर लेते हैं। यह संतरे का मिठाई बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी कटिंग आप मन चाहे आकार में कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप छोटे बड़े साइज में इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में हमें 20 मिनट का ही समय लगा है। 20 मिनट में यह बनकर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आप इस फेस्टिवल में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा डालकर भी इसे और बढ़िया बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर नारियल का बुरादा डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस पर 3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे और सारे ऑरेंज कैंडी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑरेंज कैंडी के ऊपर नारियल का बुरादा चिपक जाता है तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगने लगता है। तो दोस्तों कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इसे अपने घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार किया है। तो एक बार आप भी अपने घर पर इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
ओके बाय बाय।